बड़ी खबर आपको बताते चलिए, जहां घर में मिला युवक का शव, इलाके में है दहशत का माहौल। जहां पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के मीना बाजार डोमखाना के पास एक युवक का लहूलुहान अवस्था में घर में ही शव मिला, जहां मृत युवक की पहचान 35 वर्षीय दशरथ कुमार के रूप में हुई, जो पटना नगर निगम में दैनिक सफाई कर्मी था। वहीं परिजनों को माने तो रात में दशरथ खाना खाकर प्रतिदिन की तरह घर में अकेले सोया करता था, लेकिन सुबह उसे बिस्तर से उठाने गए तो देखा कि दशरथ लहूलुहान अवस्था में अपने बिस्तर पड़ा था और उसके सर पर गहरे जख्म के निशान थे। आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी ने धारदार हथियार से उसके सर पर मार दिया और नहीं तो फिर गोली मारा। हत्या की सूचना पर परिजनों ने आलमगंज पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई। जानकारी मिली है कि वहाँ गम खाना में मर्डर हो गया है। क्या लगा पहुँचने के बाद देखो क्या पता चल रहा है? जैसे तो देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है। जानकारी आपको क्या मिली थी कि हत्या किया गया है? जानकारी मिली है कि वो मैंने गोली चली है, गोली मार। कितने बजे की घटना? ये हम लोग तो रस्ती में हैं, तब से सूचना मिली है। हम लोग ये घर में सोते हैं, वो घर में भैया अकेले सोते हैं, हम लोग को नहीं पता था। लेकिन 10 बजे रात के हम लोग टीवी बंद किए थे। हम लोग तो ये घर में सोते हैं, सब भाई बहन, खाली एगो भैया वही घर में सोते हैं। जानकारी क्या मिली थी फिर सुबह में? मम्मी जगाए शौचालय खोलने के लिए तो भैया जागी ना रहे, तो भैया को फिर जगाया तो भैया देखा तो पूरा सर से खून बह रहा था भैया को। क्या देखने से क्या पता चल रहा है कि गोली मारी गई या चाकू से? पता नहीं, वही नहीं पता चल रहा है सर कि गोली मारा है कि चाकू से मारा है। पहले से किसी से दुश्मनी पकड़ा था? कोई दुश्मनी नहीं सर। क्या करते थे वो? नेगा में काम। क्या नाम हुआ आपका? सुंदरी कुमार। क्या नाम था उनका? दशरथ कुमार। मेरे साथ यही घटी, जो रात में खाना खाया उसको सोता दिए, फिर दोबारा इसमें सुबह देखने आए तो देखे मार के पड़ा हुआ है। जब उसके बाद से पता नहीं चला कौन मारा, किसने मारा नहीं पता चला। क्या लग रहा, गोली भी मारा गया? पूरा कटा हुआ गोली के दाग ऐसा वो तो लग रहा है। क्या पता, जब चेकअप होगा तब पता चलेगा गोली क्या है तो क्या चीज़ है। पहले किसी से दुश्मनी है इनका? नहीं, इससे तो कोई दुश्मनी, एकदम सीधा है, कोई से कोई मतलब नहीं रखता है। क्या लग रहा है हत्याकांड के पीछे क्या कारण हुआ? क्या हुआ भैया पता, जब आदमी पकड़ाएगा तो ना पता चलेगा क्या चीज़ हुआ क्या चीज़ नहीं हुआ। यहाँ तो यही देखते कौन लगते थे तुम्हारे? मेरे छोटा भाई था। क्या नाम था? दशरथ कुमार। क्या करता था वो? निगम में काम करता है। ये निगम में काम करता था? सफाई का खाली पहले काम किया सफाई अथी में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा साका कुमार। हत्या का कारण नहीं पता चल पा रहा है? नहीं पता चल रहा किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, क्या न हुआ। पुलिस पहुँची है? पुलिस पहुँच चुकी है। राकेश कुमार की रिपोर्ट, R9 भारत।